हत्यारों को फांसी दो, हॉस्पिटल में आके तान पड़ते हैं, फोटो मिल जाए टेंशन ना लो, बस अब जाओ जाओ माइक मिल जाओ तुम ओनली गर्ल्स ये आगे आगे तो 4 मिनट दो ने We want justice! 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 We want justice!
आजादी, आजादी क्या होती है? सच कहूँ तो मेरे हिसाब से हम भारत की बेटियों ने आज तक आजादी को खुल के गले लगाया भी नहीं है। खैर मुझे क्या, मैं तो एक इस आजाद भारत के कैदी समाज के एक आजाद ख्यालों वाले परिवार से हूँ, जिन्होंने कभी भी मेरे सपनों की उड़ान के लिए अपने सुरक्षा, मेरी सुरक्षा के डर से कभी भी मेरे सपनों की उड़ान को नहीं रोका। हाँ, पर जब जब मैं अपनी उड़ान भरने के लिए इस गांव से बाहर जाती हूँ, उनके कुछ पसंदीदा लाइनें जरूर होती है जो सब लड़कियाँ रिलेट कर सकती है। अपनी लोकेशन शेयर कर देना, GPS ऑन रखना, एक्टिव रहना, बात करती रहना, पास वाली सीट पे कोई लड़का तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप लोगों को पता है आज इन सब की क्या हालत हो रही है? जब मेरे पापा निर्भया का केस सुन के इतने ज्यादा सहम गए थे, वो यहाँ नहीं थे और दिन में 10 बार मेरी मम्मी को कॉल करके पूछते थे दोनों बच्ची कैसी है। जब मैंने मम्मी को डॉक्टर दीदी के बारे में बताया, वो डर चुकी थी और उनका सारा डर एक लाइन में नजर आ गया था जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और बात हो रही थी गली के नुक्कड़ पर आइसक्रीम लेने जाने की और समय था सिर्फ 8 बजे का। आपको पता है जब हम किसी को, एक ऐसी लड़की जो सबकी जान बचाती थी, उसे ऐसी दर्दनाक पीड़ा में देखते हैं, तो आज हम भारत, इस आजाद भारत की हम कैदी लड़कियां डर चुकी हैं, हम सहम चुकी हैं। हमें सच में डर लगता है हमारे पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति कहीं वो रेपिस्ट ही ना हो। हमें सब लड़कों की आंखों में बस हैवानियत ही दिखती है और खुद में बस बेबसी नजर आती है। अभी भी हम सब पूरे रास्ते रैली में आए हैं, मैं मेरी छोटी बहन को यही बोलते आई हुई हूँ, ध्यान रखना कोई अड़े नहीं, मुझे बताना। तो ये डर हम में आ चुका है, चाहे आप सारे लड़के गलत हो या नहीं हो, पर लड़के गलत है। और सबसे शर्मनाक बात ये है कि इसमें भी आज सदाशहर में कितनी जनता है उसकी 10% भी यहाँ नहीं आई है। तो अभी भी लोगों को रील्स बनाने और रील्स देखने से फुर्सत ही नहीं है कि वो एक बार इनकी कहानी सुन ले। समझना तो दर्द समझना तो हम कह ही नहीं सकते, उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ आप सबसे, आप सब सभ्य समाज से हो ना, आप लोगों ने हमेशा हम लोगों की उड़ान रोकी, आप लोगों ने हमेशा कहा है कि छोरिया ने पढ़ानो के हमें जरूरी है, नाइट शिफ्ट के जरूरी है, बारे क्यों जाओ जींस के हमें पहनो और टॉप कोड़ो छोटो है को नहीं पहनो, शाम के टाइम छोरा ना बनाओ, दोस्त ना बनाओ, सागे जाओ तो छोरा को नहीं होना चाहिए, दिन ढलना पहले आ जाओ, वगैरह वगैरह फलाना ढिमका बहुत कहा होगा जो आप लोगों को याद होगा। और ज्यादा याद दिला के मैं आप लोगों को शर्मसार नहीं करना चाहती। तो अब वो सभ्य समाज कहाँ है? क्या वो सच में सो गए? आज उस सभ्य समाज के 20% लोग भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं उन सभ्य समाज के लोगों से प्रश्न करना चाहती हूँ कि वो लोग अभी भी कुछ नहीं कहेंगे? क्या आप लोग वाकई इंतजार कर रहे हैं कि अगली, आपके आसपास की अगली बेटी, चाहे मैं हूँ, चाहे ये दीदी हो, कोई भी हो, वो इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, द्रौपदी मुर्मू, गुंजन सक्सेना ना हो? वो तो क्या निर्भया, वो अमिता, अगर नहीं तो प्लीज आइए, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज आइए और आके लड़िए। और ये कैंडल मार्च सिर्फ कोई दिखावा नहीं है, हम लोग दिल से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमें इन्हें दिल से इंसाफ दिलाना चाहते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इधर है, जब तक मौमिता दीदी को इंसाफ नहीं मिलता, हम ऐसे ही लड़ेंगे, डटकर लड़ेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि करेंगे। धन्यवाद। जो डीन थे, प्रिंसिपल थे, वो उनको अभी पीछे सस्पेंड किया है। उनका क्या काम था? उनको 4 बार यहाँ से ट्रांसफर किया गया था और ट्रांसफर करने के बाद में भी वो गए नहीं। और उनका जो प्रमोशन था वो 16 नंबर पे थे बता रहे हैं, और उनको पहले 4 के अंदर जिसको लेना था उनमें 4 में वे थे। और इनकी सारी मिली भगत है, और ये लोग वहाँ पे जो स्टेट पढ़ते हैं ना, जो किसी फेल हो गए तो उनके कुछ बंधे हुए लोग थे, उनसे कर्मचारी थे कुछ थे, उनसे वो पैसे लेके उनको पास कराने का, ये कुछ लाख रुपए, 1-2 लाख, तो ये इस तरह का वहाँ पे पहले से ही धंधा चल रहा था। लेकिन जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है ना, आपने सभी ने पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं समाचारों पे, प्रिंट मीडिया पे, वीडियो पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे उसके साथ क्या क्या हुआ। उसका ऐसा ऐसा हाल किया है कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा विभत्स और इस तरह की जो कुकृत्य किया है, मतलब एकदम बता रहे, उसके मां पिताजी कह रहे थे कि हमको एक बार मिलो उनसे, तो उनको 2 घंटे तक मिलने नहीं दिया, अपनी बच्ची का मुंह दिखाओ मिलने दिया, 2-3 घंटे तक नहीं दिया। उसके बाद में जब भी उनको उन्होंने देखा था, उनकी दोनों टांग राइट एंगल पे थी, तो इसका मतलब उसकी पहली भी गर्डल है वो टूट गई थी,
और आंख है वो चश्मा लगाती थी, तो उसके संघर्ष के कारण से आंख का जो चश्मा टूटा, आंख में खाँच के उसके कारण उसके आंख में लहू बहने लगे। और बता रहे हैं जिस हिसाब से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें एक आदमी है, उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर सिर्फ एक आदमी बताया गया, लेकिन एक आदमी नहीं है, लगभग ये गैंगरेप की तरह था, तो 5-7 आदमी है जो पहले से वहाँ पे मौजूद थे। तो इस तरह से ये योजना से हुआ है, योजना के बिना प्लानिंग बिना योजना के ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह से करना है। इस तरह से एक आदमी के लिए इतना, एक औरत और एक आदमी के बीच में संघर्ष में ऐसी स्थिति नहीं होती है, तो ये पूरी पूरी प्लानिंग थी। मेरे कहने का मतलब है कि यदि इस तरह के यूज करते हैं किसी भी डॉक्टर नहीं, किसी भी समाज में किसी भी जगह होता है, तो हमको हमारे समाज में पहले हमारे घर में हम सबको बच्चों को हमारे परिवार को संस्कारित करना, उनको बताना पड़ेगा कि ये क्या है क्या नहीं। हमारी भी बहन बेटी है, हमारी भी माँ है, हमारे भी तो रिश्तेदार है, तो उनको ऐसा क्या लगता है कि इसमें सब कुछ है, हमारी बहन बेटियों में नहीं है। तो हमको हमारा जो हमको प्रतिज्ञा पढ़ाते ये मेरा भारत देश है, सब मेरे भाई बहन, इसलिए पढ़ाया जाता था कि हमारे उसमें संस्कार आए, बचपन से संस्कार आए। ये जहाँ संस्कारों का हाथ हुआ है वहाँ वहाँ पे घटना बड़ी है, कुछ एक तरीका हो गया है। ये तो हमारी भौतिकता है, भौतिक लोलुपता है, इसके कारण से हम ज्यादा कमाएं कैसे कमाएं, इस चक्कर में भी कई बार अपराध और इस तरह से कतल अपराध होते हैं, तो ऐसी दुर्घटना नहीं हो। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह का कोई फास्ट ट्रैक ऐसा कोर्ट बनाया जाए, ऐसा लॉ बनाया जाएगा, बताए उसके अंदर 5-7 दिन के अंदर तुरंत उसकी क्या नाम सारी न्यायिक सारी जानते हो नायक जानते हो कि हफ्ते भर के अंदर उसको कोई 5-6 सजा से पहले कम होनी चाहिए। आप सबसे निवेदन है कि आपके भी आस पड़ोस में आपके घर में ऐसा कोई है तो अपने बच्चों को संभालिए, शिक्षा दीजिए, ऐसे संस्कार दीजिए कि हम हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, हमारे देश का भविष्य उज्जवल रहे, हमारी मानसिकता का है सवाल। यदि मानसिकता स्वस्थ होगी तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। यही मेरा कहना है, इसको सही श्रद्धांजलि तभी होगी अपनी बहन को जब हम आगे इस चीज की कहीं भी किसी जगह ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, तो हम सब मिलके एक ऐसा समाज की रचना करें जहाँ पे जो जागरूक हो, इस चीज के लिए जागरूक हो, तुरंत उस पर एक्शन हो, तो ये घटनाएं कम हो सकती है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।